नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं वैदेही आपके साथ। आज 16 अक्टूबर है और वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर के पावन दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के निमित्त आज सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्शन लेने की दी गई है अनुमति जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी है। तो वही चंद्रपुर मनपा की ओर से वैक्सीनेशन केंद्र सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शुरू किए गए हैं। साथ ही यहां बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति होने की संभावना व्यक्त करते हुए चंद्रपुर मनपा द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई। चंद्रपुर के महाड़ा कॉलोनी परिसर में इसार पेट्रोल पंप के पास सारडा जिंक के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का जख्मी अवस्था में मिला शव। आज सुबह मृत अवस्था में मिले इस युवक की समाचार लिखे जाने तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वही यह हत्या का मामला होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। बल्लारपुर के बीटीएस प्लॉट के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई एक 23 वर्षीय युवक की मृत्यु। रेलवे ट्रैक पर सिर और धड़ अलग अलग मिलने से परिसर में मची खलबली। तो वही जानकारी है कि मृतक के मां का 5 महीनों पहले देहांत हुआ था, जिसके बाद मृतक हमेशा शराब के नशे में रहने लगा। परिजनों द्वारा शराब के लिए रोक लगाने पर 2 दिनों पहले परिवार में हुआ था विवाद, जिसके बाद शायद इस युवक ने की होगी आत्महत्या, ऐसा लगाया जा रहा है अंदाज। राजूरा के माता भवानी मंदिर में रावण दहन करने के मामले को लेकर हुआ बवाल। रावण दहन की आदिवासी समाज को जानकारी मिलते ही वे पहुंचे इस परिसर में और रावण दहन करने पर दर्शाया विरोध, जिसके बाद मामला गरमाता देख पुलिस ने पहुंचकर इन लोगों को किया गिरफ्तार और कुछ देर बाद उन्हें छोड़ देने की है खबर। वनी में आधी रात तहसील कार्यालय के सामने स्थित 3 दुकानों में लगी भीषण आग। तड़के सुबह इसकी खबर लगते ही फायर ब्रिगेड को दी गई जानकारी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया नियंत्रण, किंतु तब तक हो चुकी थी बहुत देर। तीनों दुकानों का पूरा सामान जलकर खाक होने से अंदाजन 7 लाख का नुकसान होने की है जानकारी। नागपुर के हिंगना से एक अजीबोगरीब खबर है, जहां पत्नी पर बलात्कार के आरोप में फंसे पति के फरार होने के बाद घर में मौजूद पत्नी पर देवर ने भी किया बलात्कार। पीड़ित महिला द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गढ़चिरौली जिला अंतर्गत आष्टी पेपर मिल में घूमते हुए पाए गए 2 तेंदुए के नवजात शावक। माँ के बिना इस तरह अकेले दोनों शावकों को घूमता देख परिसर में है भय का वातावरण। वन विभाग को जानकारी मिलते ही दोनों शावकों को पकड़ा गया, जिसके बाद शावक के मां की तलाश जारी होने की है खबर। भंडारा से एक चौंकाने वाली खबर आई है सामने, जहां पति द्वारा मोबाइल ना देने पर पत्नी ने सब्जी काटने वाले हथियार से पति के काटे होंठ। भंडारा के लाखांदूर में मासल की यह घटना है, जहां पति का मोबाइल खराब होने पर पत्नी का मोबाइल यूज कर रहा था पति और 2 दिन बीतने पर भी पति द्वारा मोबाइल वापस ना करने से दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें पत्नी ने पति पर फेंक कर मारा सब्जी काटने का औजार। इस धारदार हथियार से पति के होंठ कट गए, जिसके बाद पति को अस्पताल में किया गया है दाखिल और पत्नी के खिलाफ पुलिस थाने में की गई शिकायत दर्ज। गढ़चिरौली के परसवाड़ी में भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ रावण महोत्सव। आदिवासी समाज द्वारा पारंपरिक तरीके से हर वर्ष रावण को किया जाता है नमन। इस साल भी आदिवासी समाज द्वारा उनके दैवत माने जाने वाले रावण के शौर्य की गाथा गाते हुए रावण पूजन किया गया। दशहरे के अवसर पर महाराष्ट्र के विधायकों को मिला तोहफा। वित्त मंत्री अजित पवार ने विधायक विकास निधि की रकम 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दी है। विधायकों की स्थानीय विकास निधि में सीधे 1 करोड़ की बढ़ोतरी होने से विधायकों में खुशी का माहौल। तो वही विधायकों द्वारा कहा गया है कि उन्हें अब अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करने का मिलेगा अवसर। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।